स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमारा जो चैप्टर थर्ड है वो काफ़ी टाइम से हमारा चैप्टर थर्ड हम कवर कर रहे हैं और आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर थर्ड का। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि मैंने आपको बताया था संक्षारण के बारे में, ये आज हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक संक्षारण। ठीक है, देखो मैंने आपको लास्ट में बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारा लास्ट टॉपिक रह गया संक्षारण। संक्षारण की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा था संक्षारण यानी जब किसी भी धातु की सतह पर वायुमंडलीय गैस से अभिक्रिया करके उस धातु की सतह को या उस धातु को कलुषित कर दे तो उसे संक्षारण कहा जाता है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था संक्षारण जो है इसमें अपने सोने जैसे सॉरी चांदी पर चांदी का काला पड़ जाना, तांबे का हरा हो जाना, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, ये सारी की सारी संक्षारण की ही उदाहरण है। अब मैंने आपको कहा था कि संक्षारण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शुष्क संक्षारण और एक होता है आपका विद्युत अपघटनी संक्षारण। शुष्क संक्षारण के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि शुष्क संक्षारण वे प्रक्रियाएं होती है जिसमें धातु केवल और केवल वायुमंडलीय गैसों के साथ अभिक्रिया करके करती है, वहाँ वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है विद्युत रासायनिक संक्षारण। तो विद्युत रासायनिक संक्षारण के अंदर क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारा जो धातु है वो गैसों के साथ साथ जल के साथ भी अभिक्रिया करेंगी। तो समझ रहे इस चीज को, विद्युत रासायनिक संक्षारण जो है उसमें कार्य कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप जो हमारा है कि वायुमंडल में उपस्थित जो हाइड्रोजन गैस है वो कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। देखो यहाँ पर लिखा होगा कि वातावरण में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, वातावरण में उपस्थित क्या है, CO2 है। जब CO2 अपने वातावरण में उपस्थित जलवाष्प यानी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बनिक अम्ल बन जाता है। आपको मैं बता देती हूँ ये बैलेंस करके, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, यानी ऑक्सीजन 6 है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। अब आपको पता है हाइड्रोजन कितनी चाहिए आपको, 4, H2CO3 के अंदर हाइड्रोजन हो गया 4, कार्बन हो गया आपके पास 2 और ऑक्सीजन हो गया 3 × 6। तो ये तो पहले स्टेप में आपका क्या बन गया, कार्बनिक अम्ल बन गया। अब ये जो कार्बनिक अम्ल है वो आपका सबसे पहले आयनों में टूट जाएगा। किस तरीके से टूटेगा, 4H+ और 2CO3- में टूट जाएगा। क्लियर बात, H+ और CO3-2 में आपके कार्बनिक अम्ल टूट गए। अब ये जो हमारे पास आयन बने हैं यही अभिक्रिया में भाग लेंगे। कैसे हिस्सा लेंगे ध्यान रखना। देखो अगर हम लोहे की बात करें, ठीक है, अगर हम एक धातु ले लेते हैं लोहा, उसका बना हुआ कोई भी मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है, अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो जो हम धातु लोहे की बात कर रहे हैं, हमने जो मटेरियल लिया है वो प्योर लोहे का बना हुआ है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी तो हो सकती है ना। अपने कोई भी मटेरियल की बात करते हैं तो वो प्योर एक ही धातु से मिलकर बना है, ऐसा तो नहीं होता ना, उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिलाई होती है। तो अब देखो यहाँ पर हमने ले लिया कि धातु से बना हुआ कोई भी अपने मटेरियल ले लेते हैं, कोई भी अपने पदार्थ ले लेते हैं। अब उसमें क्या है, कुछ जगह पर धातु जो है Fe जो है वो शुद्ध मात्रा पे है, कुछ जगह पर क्या वो थोड़ी सी अशुद्धि में है। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं जो बोल रही हूँ उस पर कंसेंट्रेट करना। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मैंने आपको कहा कि आपने लोहे के बना हुआ कोई भी आपने पात्र ले लिया, कोई भी चीज़ ले ली, XYZ, ठीक है। अब आपको पता है लोहे से अगर कोई चीज़ का निर्माण किया जा रहा है तो वो प्योर तरीके से लोहे का ही तो नहीं बना होगा ना, उसमें कुछ लोहे के अंदर भी कुछ थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ होंगी। अब जहाँ अशुद्धियाँ हैं ना वो क्या होंगी, बहुत ही जल्दी वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ जलवाष्प के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और वहीं पर जंग पहले लगता है। और एक बार जंग लगने लग जाए तो आपका पूरा मटेरियल जो है उसको जंग लगना आसान हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बन जाता है। अब अम्ल है तो ये हानिकारक है,
सबसे पहले अम्ल किस में टूट जाता है? F4H+ और 2SO3-2 में टूट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैं आपको बोल रही थी पात्र लेंगे तो पात्र में कुछ जगह ऐसा होगा कि भाई धातु थोड़ी शुद्ध अवस्था में है और कुछ जगह पर ऐसा है कि धातु थोड़ी अशुद्ध अवस्था में है। तो अब क्या होगा, जहां पर आपका Fe शुद्ध अवस्था में होगा वहां पर तो उसका वो एनोड की तरह कार्य करेगा, और जहां पर आपका Fe थोड़ा अशुद्ध अवस्था में है होगा वहां पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस से या जल वाष्प, यानी गैस से और जल जो है वो जल्दी रिएक्ट करके वो आपके कैथोड की तरह कार्य करेंगी। ठीक है, तो एनोड की तरह सबसे पहले कार्य कौन कर रहा है? तो आपका Fe कर रहा है। जब 2Fe एनोड की तरह कार्य करेगा तो धातु एनोड की तरह कार्य कैसे करता है? अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, Fe ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, एक Fe दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 2Fe कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 4। तो यहाँ पर 2Fe है तो 2Fe+2 का मतलब है कि इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद आती है कि हम कैथोड पर जो है रिएक्शन करवाएंगे, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। अब देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 4H+ आयन बना है। सबसे पहले 4H+ आयन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके वाटर के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएगा। हो गया, अब देखो ये तो हो गया आपके एनोड पर रिएक्शन, ये हो गया आपके कैथोड पर रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आपको टॉपिक समझ आ रहा है ना, तो आप लोग कमेंट क्या करो कि मैम ये समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे आप लोगों के रिस्पांस का ये होता है कि भाई हाँ आपका रिस्पांस मिले तो पता लगता है कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया कितना अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो आपके कैथोड की तरह कार्य कर रहे हैं, ये आपके एनोड की तरह। अब आपको पता है ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, हमें क्या चाहिए होता है, फुल सेल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन चाहिए होता है। तो जब हम नेट सेल रिएक्शन लेंगे तो दोनों के बीच हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों को एक साथ जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड वालों को एक साथ जोड़ देंगे, और अपोजिट में जो मिलते हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। ये हम स्टार्टिंग से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या मैच कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या यहाँ पर सेम है, तो आपका है H2 H2 2 H2। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, और कोई चीज यहाँ पे सेम है नहीं है। अब हम नेट सेल रिएक्शन करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन में राइट हैंड साइड वालों को एक साथ जोड़ देंगे और लेफ्ट हैंड साइड वालों को एक साथ जोड़ देंगे। नेट सेल अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, 2Fe जो है वो 4H+ में O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, 2Fe+2+ में 2H2O, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब ये तो हमारी होगी नेट सेल अभिक्रिया। ठीक है, ये तो होगी हमारी नेट सेल अभिक्रिया। अब बात आती है कि लोहे पर जंग कब लगता है। अभी तो केवल हमारा Fe+2 आयन बना है और जल बना है, जब इनके बीच अभिक्रिया हो रही होती है तब वायुमंडल गैस भी अगर इसके साथ मिल जाए, क्या मिल जाए, वायुमंडल गैस भी इसके साथ मिल जाए तो वो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको कहा था कि शुष्क संसारण में तो केवल और केवल धातु वायुमंडलीय गैसों के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन विद्युत रासायनिक संसारण के अंदर क्या होता है कि जो धातु है ना वो आपके वायुमंडलीय गैसों के साथ साथ जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, तब जाकर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप कमरे में लोहे का पात्र रख दो, आप काफी टाइम बाद देखोगे उसमें आपने ना तो पानी गिरना ना कुछ और। ठीक है, वायुमंडल की गैसें तो उससे अभिक्रिया करती रहेंगी, वायुमंडल में गैसें जब उपस्थित है तो वो तो उसके साथ अभिक्रिया करती रहेगी। आप देखोगे कि उसमें किसी भी प्रकार का संक्षारण नहीं हो रहा, वो आपको वैसे का वैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको खुली जगह पर रख दिया, खुली जगह पर रखने बाद आप देखोगे उसमें बारिश का पानी गिरने दो या फिर खुद से एक्स्ट्रा में मतलब पानी डालो, आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो पानी डालने के कारण वो जो पात्र है उसमें संक्षारण होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित गैसें तो उसके साथ अभिक्रिया कर ही रही है, साथ ही साथ ऊपर से आपने जल और मिला दिया। जब ये तीनों चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो देखना यहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया कैसे होती है, आपका जो 2Fe+2 बना था इसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाई,
प्लस जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस भी इसके साथ अभिक्रिया कर लेंगी ना, तो आपका क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो आपका फेरिक ऑक्साइड बना है ना, अब इसमें जल के कई सारे मॉलिक्यूल्स आके रिएक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर XH2O लिखा है, X का मतलब है कि जल के मॉलिक्यूल्स कितने भी आ सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं बता रही मैं, ठीक है। तो XH2O जब इस Fe2O3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो आपका फॉर्मूला बनता है, इसी को हम कहते हैं लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, या फिर लोहे पर जंग का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सीधे ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो टॉपिक है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्लियर बात। तो मेरे हिसाब से संचारण वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। देखो मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके इन्वायरमेंट से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो चीज़ें आपको साइंस, ऐसा होता ना कि साइंस है, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उन चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो वो कुछ भी टफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे एक वीडियो में रह गए थे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, Mg से Mg+2Ag+, ठीक है, Mg+2Ag+ से Mg+2 और 2Ag बन रहा है और इसके जो आपके कंसंट्रेशन है वो मैंने आपको दे दी है। क्वेश्चन के अंदर आपको किसका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको ई सेल का मान ज्ञात करना है और ई सेल हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास नेसर समीकरण है उससे, ठीक है। तो देखो उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पर एनोड की तरह कार्य कौन कर रहा है, कैथोड की तरह कार्य कौन कर रहा है। तो ये पहचानना बहुत आसान है क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करेगा वो एनोड की तरह कार्य करेगा। एनोड की तरह कार्य करेगा, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर माइनस ऑक्सीडेशन, और जो आपके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करेगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, यानी पॉजिटिव और रिडक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आसान आपको क्या दे दिया है, आपको ई नोड कैथोड और ई नोड एनोड का मान ना देकर सीधे ई नोड सेल का मान दे दिया गया है। आपने फॉर्मूले में इस मान को सिर्फ और सिर्फ पुट करना, ठीक है। तो नेसर समीकरण जो हमने किया था, नेसर समीकरण का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यही फॉर्मूला था हमारा। अब बात करते हैं अपने कि अपने को किसका मान ज्ञात करना है, ई सेल का। ई सेल का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें जो जो मान दिया हुआ है उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ई नॉट सेल का मान आपको कितना दे रखा है, 3.17 माइनस में 0.0591 अपॉन में एन। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है रिएक्शन में ग्रहण किए गए व त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर Mg जो है वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है और 1 Ag अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 Ag कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 2, यानी त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। एन का मान यहाँ कितना हो गया आपका, 2। तो यहाँ पर मैंने एन का मान रख दिया। फिर उसके बाद आता है लॉग बेस 10। अब देखो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट जो है, देखो ये आपके पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट, जो हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसके राइट हैंड साइड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट है ना। बात आती है कि हमें इन दोनों में से जिसका आयन बन रहा होता है वही कंसंट्रेटिव फॉर्म में होगा, और ये तो हमारे पास क्या है, सॉलिड अवस्था में है। जो आयनों में टूटा होता है वो तो हमारा किस में चलेगा, उसका मान हमें सांद्रता में मिलती रहेगी, लेकिन जो सॉलिड अवस्था में होता है उसका मान यहाँ पे हमें नहीं मिलता,
क्योंकि सॉलिड अवस्था में जो है वो अब क्या है, कंसंट्रेट नहीं है। क्लियर बात? यानी ये आयनों को ना तो त्याग रहा है ना ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे ये उदासीन है और यहाँ पर ये उदासीन है। जो उदासीन है उसका तो हमारे इसमें काम है नहीं, हमें तो वो लेने हैं कि जिसमें जिसकी मोलरिटी या जिसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में हम किसको लेंगे, एमजी को लेंगे, एमजी को, यानी एमजी प्लस टू। ये तो हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट। अपॉन में रिएक्टेंट के रूप में हम किसे लेंगे, रिएक्टेंट के रूप में हम लेंगे 2Ag को। तो 2Ag को हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पीछे सिखा रखा है कि जो मोलों की संख्या होती है ना उसको जब हम व्योजन स्थिरांक के फॉर्मूले में रखते हैं तो ये जो दो होगी वो कहाँ चली जाएगी, घातों में। यानी अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा Ag प्लस और यहाँ पे घातों में दो चली जाएगी। यहाँ पर तो Mg जो है जब आगे कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है एक, और एक को लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, दो, तो ये दो कहाँ चलेगी, घातों में। क्लियर बात? अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनका मान रखते जाना है। ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग बेस 10। अब इसका मान कितना दे रखा है आपको, 0.130 यही दे रखा है। अपॉन में इसका मान आपको कितना दे रखा है, 0.0001, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, 0.0001 की स्क्वायर है ना। अब इस स्क्वायर को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.0001 स्क्वायर करो या दो बार मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब अपने इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट हटा दोगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4। अब ये पॉइंट हटा दोगे तो 4 कितना हो गया, 8। मैं यहाँ पर सीधे क्या लिख देती हूँ, 10 की पावर 8। क्लियर बात है? उसके बाद यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाती हूँ तो यहाँ पर कितने बच गए आपके पास, 3 डिजिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3। क्लियर? अब आपको पता है ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 5। कितना बच जाएगा आपके पास, 5। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, तो अब नीचे वाले को अगर हम छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं, तो 1 1 1 ही होता है। तो इसको मैं रेस कर दूँ या ना लिखूँ, एक ही बात है। ऊपर मेरे पास वैल्यू कितनी बच गई, 13 × 10^5 10^10^5। मतलब मैं इसको सीधे ऐसे लिख सकती हूँ, 13 × ठीक है, नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, इसको रेज ही कर देती हूँ, आपको समझ तो आगे होगा, तो इसको रेज ही कर देती हूँ। ये बन गया आपके पास। आपको पता होगा कि लॉग के अंदर क्या होता है, कि जब लॉग बेस 10 जब ये एक्स इंटू वाई के फॉर्म में होता है ना, तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, लॉग बेस 10 प्लस में लॉग बेस 10 एक्स प्लस में लॉग बेस 10 वाई, यही बनता है ना। तो अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पर ये जो 13 है वो किसकी तरह लग रहा है आपको, एक्स की तरह, और जो ये 10^5 है वो आपको किसकी तरह लग रहा है, वाई की तरह। अब देखो ये आपको x की तरह और ये आपको y की तरह दिख रहा होगा, log base 10, ये x और ये y की तरह, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मेरे से गलती होगी, देखो ये क्या है, 0.130 है ना, तो उस अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा। अब मैं इस 0 को यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे 10^6 लिख दूँ, किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया होगा, मैंने बस 0 को यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने ये जो आपका आया है मान, उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करोगे, मैं यहाँ पे इसकी सॉल्विंग बता देती हूँ, फिर हम यहाँ पे लास्ट में सीधे मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर सॉल्विंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कि जो आपका लॉग बेस 10, इसको देखते रहना, 13 × 10^6 है, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 13 प्लस लॉग बेस 10
10^6 यही होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने ना जब आपको एक दिन न्यूमेरिकल वाला टॉपिक करवाया था उस दिन मैंने आपको सारे वैल्यूज बताए थे कि लॉग बेस 10 1 का मान कितना होता है, 2 का मान कितना होता है, तो ठीक मैंने 13 का मान भी बताया था। और 13 का मान अगर आपको याद हो तो लॉग बेस 10 13 का मान होता है 0.886। क्या होता है? 0.886। ये मान किसका होता है? लॉग बेस 10 13 का मान, ठीक है। प्लस में अगर हम इसका मान रखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि लॉग बेस 10 10 का मान कितना होता है। देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे लिख देती हूँ लॉग बेस 10 10 का मान होता है 1। अब जितने जीरो बढ़ते जाएंगे मान उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पर भी 3, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है 6 है, तो लॉग बेस 10^6 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हम इसको सीधे ही लिख सकते हैं, सीधे लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.886। अब हमने सारे मान पुट कर दिए हैं। देखो यहाँ पर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। इस पूरे को कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। और अगर इनको माइनस करूंगी तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन होता आपका यहीं पे सॉल्व। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के, उस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले आपने रिएक्शन को खोल के लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, Al से तो आपका क्या बन रहा है, Al+3, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम कर रहा है। यानी ये चीज क्या है आपके पास, एनोड। ये क्या है आपके पास, एनोड है। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, आपको पता ही है। नेक्स्ट अपने पास जो रिएक्शन है वो क्या है, Na+2 जो है वो आपका क्या बना रहा है, Na बना रहा है। इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और इसने Na बना लिया। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो किसका काम कर रहा है, आपका कैथोड का काम कर रहा है। देखो छोटे छोटे चीजों से क्लू मिल जाएगा, बस देखने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनोड सेल का मान दे रखा है और आपके पास प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट का मान दे रखा है। आपको जरूरत है ई सेल का मान ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज और अहम है इसके अंदर, इसमें त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो n का मान आप कैसे रखोगे, आपने सबसे पहले त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल करनी है। और इक्वल आप कैसे करोगे, ये तो हमारे पास मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि ये दोनों रिएक्शन जो है आपकी क्या हो, बैलेंस हो जाए और त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल हो। मैं यहाँ पर सीधे लिख देती हूँ, ये चीज आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पर इस पूरे रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, और इस पूरे रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा, 2Al+3+6 इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा। और जो इक्वेशन सेकंड है वो कैसे बन जाएगा, 3Ni+2+6 इलेक्ट्रॉन 3Ni, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक नो डाउट। अब देखो यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, त्यागे व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब हो चुकी है इक्वल। तो यहाँ पर जो n का मान आएगा आपके पास वो क्या होगा, 6। n का मान क्या होगा, 6। अब आपने सिर्फ e सेल का मान ज्ञात करना है। देखो e नॉट सेल का मान इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, मैंने आपको 2 वैल्यू दे रखे थे, e नॉट कैथोड माइनस e नॉट एनोड। तो मेरे हिसाब से e नॉट कैथोड और e नॉट एनोड से आपको e नॉट सेल निकालना तो बहुत इजी लगता होगा, तो मैंने सीधे यहाँ पे आंसर पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या चेंजेस हो गए, कि ये तो आपको यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया 2, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 3, और यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया 3। क्लियर चीज, मैंने यहीं पर लिख दिया और इसको मैं पूरे क्वेश्चन को रेस करके
बाकी सारे स्टेप कंटिन्यू रखती हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे होगा ये, इसको अगर सॉल्व करना है तो वही नेंसर फॉर्मूला। नेंसर फॉर्मूला के पास क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। आई थिंक अभी तक तो अच्छे से याद हो गया होगा ये, ठीक है। अब अपने क्या करना है, मान पुट करना है 1/1 करके। तो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल का मान कितना दे रखा है 1/41 माइनस में 0.0591 अपॉन में एन का मान कितना दे रखा है 6 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट। अब बात आती है कि यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, रिएक्टेंट कौन सा है, ये दोनों क्या है आपके पास राइट हैंड सॉरी इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट है और ये दोनों आपके पास क्या है रिएक्टेंट। ये चीज अपनों ने यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होती है तो मैंने यहाँ पे अलग से इसको लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तो आपके पास क्या है रिएक्टेंट है और ये दोनों आपके पास क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मान आपको दे रखा है ये, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर Al प्लस 3 और घात इसमें कितने जाएंगे 2, क्यों, क्योंकि मोलों की संख्या 2 है। अपॉन में रिएक्टेंट का मान आपके पास क्या है, रिएक्टेंट आपके पास है ये, यानी ये। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा Ni प्लस 2 और इसमें घातों की संख्या कितनी हो गई 3। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके चांसेस हैं बहुत आने के, तो जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ या थोड़ा अच्छा होता ना उनकी ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, इजी क्वेश्चंस तो हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर E cell is equals to 1.41 minus 0.591 upon में 6 log base 10। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका मान आपको कितना दे रखा है, देखो इसका मान दे रखा है आपको 0.001 001 के यहाँ क्या हो जाएगी स्क्वायर अपॉन में आपके पास इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है आपको 0.50 और इसकी क्या हो जाएगी आपके पास क्यूब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई 0.50। अब जैसे मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटाती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10^6, और अगर मैं यहाँ से तीनों पॉइंट को हटाती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10^6, यही होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों तो आराम से कैंसिल आउट हो गए ना, तो इसकी जो सॉल्विंग है थोड़ी सी मैं यहीं पर कर देती हूँ। अगर इसको अपने कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 1 बच गया, यानी 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया 50 50 50, और आपको पता है 5 की क्यूब कितनी होती है 125, है ना। 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 0 कितने हो गए आपके पास 30, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना 1/5³ × 10^3। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो 5 की -3 × 10^-3 ये हो जाएगा, दिख रहा है क्या आपको। चलो मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देती हूँ -3 × 10^-3 यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये पूरा जो हमने किया है इसका सॉल्व ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आपके पास क्या बच रहा है लॉग बेस 10x × y, इसको मैं x मान लूँ इसको मैं y मान लूँ। जैसे ही हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, पीछे अभी मैंने रिपीट किया है कि क्या बन जाएगा ये आपका log base 10x plus log base 10y प्लस बन जाएगा। अब प्लस बन जाएगा तो मैं यहाँ पे ये सारा आपको समझा दिया है, मैं यहाँ पर इसको सीधे लिख दूंगी क्या बन जाएगा log base 10x, x क्या है आपकी 5^-3 प्लस में log base 10, y का मान कितना है 10^-3। यहाँ तक समझ आ गया आपको, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो जो देखो जो
बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैथ वाले बच्चों को लॉग वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना वो क्लियर होते हैं, और जिनको नहीं क्लियर तो उनको यहाँ से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैं रेस कर रही हूँ, अब इसको मैं रेस कर रही हूँ। अब देखते हैं कि जब इस तरीके से कोई फॉर्मूला बनता है तो क्या होगा। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है कि लॉग बेस 10 एक्स की घात वाई। अब लॉग बेस 10 जब एक्स की घात वाई होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, वाई लॉग बेस 10 एक्स, ये बन जाता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये लॉग बेस 10 ये एक्स और ये वाई है, और ये लॉग बेस 10 ये एक्स और ये वाई है। यानी जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, देखो ये वाई है तो वाई कहाँ आ गया आपका आगे, तो उस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे अपने, माइनस 3 लॉग बेस 10, और जो एक्स का मान है उसे हम लिखते हैं लास्ट में। इसका मान ये आ गया, इसका मान क्या होगा, इसका मान भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, माइनस 3 लॉग बेस 10, और यहाँ पर आपके पास x का मान क्या हो गया 10। दोनों के मान निकल गए, दोनों के मान निकल गए तो पुट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर इसका मान पुट करोगे, यहाँ पे अगर इसका मान पुट करोगे, मैं ना यहाँ पर देखो आपको बस समझा देती हूँ, फिर यहाँ पे सीधे आपने आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर समझा देती हूँ क्या बन जाएगा। अब ये तो हो गया आपके पास लॉग बेस 10, सॉरी माइनस थ्री लॉग बेस 10 5 माइनस लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 10 यही बना आपके पास, आपने दोनों का मान ही रखा है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इसका मान कितना होता है। देखो ये सारे मान आपको बता रखे हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग इनको बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो लॉग बेस 10 5 का मान कितना होता है, 0.699। माइनस में क्या आपके पास है, 3 है, और लॉग बेस 10 10 का मान कितना होता है आपका, 1। अब इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हो माइनस थ्री कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 0.699 माइनस, अब कॉमन ले लिए तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये आ गया आपके पास। अब इस पूरे का जो अपना सॉल्यूशन है यानी जो अपना मान आया है वो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन में 6। अब इस पूरे का सॉल्यूशन क्या है आपके पास, ये है माइनस 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 3.699 प्लस 1। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.6991 यही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भाग दे देना है, फिर जो आपके पास पूरा आएगा उसको माइनस कर दोगे तो ई सेल का मान आपका आ जाएगा, और ये आपका आंसर कमेंट करोगे आप, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करना। और जो डेनियल सर वाला क्वेश्चन था ना वो तो बहुत इजी था, वो तो आप कर चुके होंगे, और उसके बाद वाला जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला क्वेश्चन था जिसमें एच का मान था वो भी 0 था। ठीक है, तो ज़्यादा मैंने फोकस यही था कि मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करवा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, और आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। और आई थिंक आपको आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से बेस्ट विशेस के साथ पढ़ते रहिए और अपने 12th के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाइए। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत हो रही थी तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नोट्स की दिक्कत आपकी ख़त्म हो चुकी है। नोट्स के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लाइव टेस्ट और साथ ही साथ मेरे लेक्चर्स, मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी कहाँ, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे। और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करोगे तो उसमें जो मेरा कोर्स है केमिस्ट्री का, जो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि 1 अगस्त से लॉन्च हो चुका है, उससे कई बच्चे जुड़ भी चुके हैं,
तो आप भी जुड़ जाइए और इस मौके को बिल्कुल ना गवाएं, क्योंकि बहुत ही कम शुल्क के अंदर आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिली जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर। तो आप, मैं ये कहूँगी कि जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत हो रही है, जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, जिन बच्चों को लाइव टेस्ट चाहिए प्लस फिर लेक्चर चाहिए, उन सभी के लिए ये एक सुनहरा मौका है, अपने एक सुनहरे अवसर के लिए, एक अच्छे नंबर के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगी, बेस्ट विशेष के साथ पढ़ते रहिए।